अज जिहड़ा गरीब बच्चों का जिहड़ा हक है वह हक जिहड़ा इह खा गए ने। करप्ट मंत्री है, घोटालेबाज मंत्री है, इहनू बर्खास्त किया जाए, इहनू बर्खास्त करके इहदे ते मुकदमा दर्ज किया जाए। और जिहड़ी 64 करोड़ की है ने घोटाला किया रिकवरी करके उन्हें दलित बच्चों को दी जाए ता सो यदि CBI तो जांच कराई जाए। दलित विद्यार्थियों लिए केंद्र की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में हुए बड़े घोटाले संबंधी किरे समाजिक न्याय शक्तिकरण और घट गिनती मामलों के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ वख-वख पार्टियों वालों किए जा रहे प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते अज नूरपुर बेदी विखे भी लोक इंसाफ पार्टी वालों पीर बाबा जिंदा शहीद चौंक से प्रदर्शन किया गया तो साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूकया गया। इस मौके गलबात करदिआं लोक इंसाफ पार्टी के हलका रोपड़ के इंचार्ज गुरमीत गोगी ने कहा कि मंत्री धर्मसोत ने जो विद्यार्थियों के हकों से डाका मारिया है वह निंदनयोग है। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिता कि जेकर 7 सितंबर तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो लोक इंसाफ पार्टी वालों मुख्यमंत्री निवास का घिराव किया जाएगा। देखो बहुत ही मतभागी घटना है जिहड़ी पंजाब दे विच कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जिहड़ा समाज भलाई मंत्री दे अहुदे ते इस टाइम हैगा है और इन्नी जिहड़ी जो सेंटर गौरमेंट की मैट्रिक स्कॉलरशिप के अधीन एक फंड जिहड़ा पंजाब के गरीब बच्चों के दलित बच्चों के वास्ते आया सीगा 64 करोड़ रुपए का जिहड़ा एक घोटाला कर गए और इन्नी मदभागी घटना और अज जिहड़ा गरीब बच्चों का जिहड़ा हक है वह हक जिहड़ा इह खा गए ने। और साडी अज यही मंग है पूरे पंजाब दे विच लोक इंसाफ पार्टी का यह जिहड़ा एक रोस प्रदर्शन अज कर रहे हैं पूरे पंजाब दे विच और साडी मंग यही है भी इस जिहड़ा करप्ट मंत्री है घोटालेबाज मंत्री है इहनू बर्खास्त किया जाए, इहनू बर्खास्त करके इहदे ते मुकदमा दर्ज किया जाए और जिहड़ी 64 करोड़ की है ने घोटाला किया उहदी रिकवरी करके उन्हें दलित बच्चों को दी जाए ता सो ਇਹਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਜੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਾਧੂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।